देसी टॉक के 100 एपिसोड पूरा हो गए। एकरे नाम से देसी चीज ला बगरैया पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे हैं हमार साथ देसी टॉक में। आप देखो तो हमार साथ देसी टॉक और देसी टॉक के 100 एपिसोड पूरा हो गए है। देसी टॉक के जिन एपिसोड है और जिन पोस्टर है और विमोचन जिन है अमेरिका में होइस पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जिला हम कका तको कहतन वो आज हमार साथ है। कका आपके बहुत बहुत स्वागत है। वाह वाह वाह, बहुत धन्यवाद। और आपके बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमार पोस्टर ला अमेरिका तक ले गए, वहाँ ओकर विमोचन करें। अब छत्तीसगढ़ के अतेक बड़ी उपलब्धि है तो ओला ले जाना जरूरी है। जब मैं जाता हूँ तो मोर संग में कुछ न कुछ जाही। हाँ। मैं दया धर के गे रहे हूँ तो उहुल अपन संग में धर के गे रहे हूँ। आप एक महीना के आपके यात्रा रही अमेरिका के तो वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा में और नाचा और कई जिन संस्था वहाँ काम करत है ओखर बारे में आप हमला बताओ। वहाँ दो संस्था हवे, दोनों से मोर मिले के सौभाग्य और सम्मान झोंके के सौभाग्य प्राप्त हुई। एक नाचा नॉर्थ अमेरिका छत्तीसगढ़ एसोसिएशन और दूसरा है चना चना छत्तीसगढ़ एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ओकर स्वीति ठाकुर हर ओकर चेयरमैन है। बहुत अच्छा कुछ लिखे भी हो वहाँ, काफ़ी चर्चित भी हो अमेरिका में, ओकर बारे में बताओ। तो रही से नरवा गुरु नरवा गरुआ घुरुआ बारी जय जय हो छत्तीसगढ़ महतारी। एक हाथ में कसहा लोटा एक हाथ में पूजा थारी। जय जय छत्तीसगढ़ महतारी। छत्तीसगढ़ ले आए हों अपन संस्कार ला धर के आए हों। और छत्तीसगढ़ के प्रति एक ठन वो हिंदी के भी उमन कहीं कि हिंदी में कुछ छत्तीसगढ़ी के बारे में। धन्य धन्य ये धरती जिसने कौशल्या को जन्म दिया। सीता का वनवास हुआ तो इस माटी ने शरण दिया। वीर नारायण की वीर भूमि गुरु घासीदास की वाणी है। सुंदर लाल शर्मा के अंतस में महानदी का पानी है। खूब चंद बघेल का सपना चंदुलाल चंद्राकर। जीवन सफल करो अपना एक बार तो आकर। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़िया की थाती है। दोनों हाथ उठाकर बोलो ताल से ताल मिलाकर बोलो छत्तीसगढ़ की माटी है। अभी छत्तीसगढ़ के राजनीति करण चाहे देश की राजनीति करण सब चुनावों के मूड में है। तेला देख के आप लोग का लगते जैसे मोदी जी ओकर मुकाबले में राहुल गांधी जी ममता बनर्जी अलग गुस्साए है, ये सब जब आप देखते हो तो आपके मन में का थे? जैसे देखबो तैसे लिखबो। काबर हमार उत्तरदायित्व है कि हम समाज के बारे में लिखन। हाँ। पार्टी राजनीति के लिए लिखना के कोई मतलब नहीं है। असली मतलब है समाज के सापेक्ष लिखो, समाज ला और ज़्यादा जागृत करे बर लिखो। और विशेष करके छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया तीनों के स्वर ला मुखरित करे बर बढ़ाए बर बगराए बर जितना प्रयास हो सकी प्रयास करे जही और करत हूँ और करूँ। जिन युवा मन हैं तिन ज़्यादा आजकल छत्तीसगढ़ी बोला ही नहीं, उखर पर आपके का संदेश रही कि भाई अपन जीवन में कम से कम छत्तीसगढ़ी की उपयोग अधिक से अधिक करें उमन? देखो मैं 11 देश में कविता पढ़े हूँ। हाँ। लेकिन जब छत्तीसगढ़िया आदमी मिलते वो एक बार बताते, जैसे अभी ह्यूस्टन में माननीय मुख्यमंत्री जी की बहनी होकर दमान मिल गए उमन। अच्छा। प्योर उतरते संग में मंच में जाते रहे उमन बताई ना छत्तीसगढ़ी में गोठियाई। तो एक शब्द है छत्तीसगढ़ी के जिन सब सीख जाए। अच्छा। पूरा अंग्रेजी जनैया पूरा इंजीनियर डॉक्टर जिन देश विदेश में रहते हैं एक शब्द छत्तीसगढ़ी के है जय जोहार। और ओकर बार अंग्रेजी में तीन शब्द है गुड मॉर्निंग गुड नाइट गुड आफ्टरनून और छत्तीसगढ़ी में सिर्फ जय जोहार। जय जोहार दिन बादर कुछ नहीं लगे 24 घंटा समझ ले एक से एक तिहार। नवा आदमी मिला हाथ जोड़ के कहा जय जोहार तो समझ यही छत्तीसगढ़ी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बात बताए आप। आप जिन्हें समय समय में जिन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ला चिट्ठी तक लिखे हो, आप डोनाल्ड ट्रंप ला भी लिखे रहे हो और पहली आप ओबामा ला तक चिट्ठी लिखे रहे हो, तो जब ये बात ला आप वहाँ अमेरिका में बताए तो कहा वहाँ प्रतिक्रिया रही? छत्तीसगढ़ी हरियाणवी और राजस्थानी तीन भाषा वहाँ के व्हाइट हाउस में तय आवेदन लिख के दे तो वापस नहीं हो वह स्वीकार हो जाते। अच्छा। और फिर होकर अनुवाद करिया वहाँ बैठे। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वहाँ छत्तीसगढ़ी में बोले बर और छत्तीसगढ़ी ला समझे बर अमेरिका के सरकार तैयार बैठे। और अभी हमार 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी आए नहीं है तो हम अपन आवेदन ला दिल्ली में छत्तीसगढ़ी में नहीं लिख सकन, फिर व्हाइट हाउस में लिख डरथन। ये बहुत बड़े प्रयास है और मैं सोचता हूँ और जिंदगी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं हमेशा छत्तीसगढ़ी से प्रारंभ करें।
बहुत अच्छा। हाँ, छत्तीसगढ़ी से ही प्रारंभ करे हों और ओकर बाद में भला ही हिंदी के रचना पढ़े, लेकिन अपन पहचान ला मैं कहीं पर खत्म नहीं होने दो। आपला काका जरूर कही थे लोगन, ओकर पीछे का है काका, का चीज है, मतलब अपना काबर सब काका कही थे? वो बहुत पहली जब मैं कवि सम्मेलन में आ रहे हूँ तो अटल बिहारी वाजपेयी जी पर कविता लिखा। अच्छा। तो मैं अटल जी लग के हूँ काका, ऐसे करके एक सीरीज रही से। अच्छा। तो वही हर मतलब ज़्यादा पॉपुलर हो गए वो काका है। हाँ। उसके बाद लोगन काका काका कहे लग गए। और अच्छा। वो कविता के टैग लाइन वही रही से काका, मैं अटल जी लेके हूँ। आपके पहली जन मंच रही से वो कौन सा रही, जन सबले आप लोग बड़े उपलब्धि दिलाई? भाटा पारा। भाटा मतलब जिन पॉपुलर मंच है, वैसे तो तुमड़ी बोर्ड पहली रही से। हाँ। लेकिन जहाँ से टीआरपी है ज़्यादा बढ़ी तेने। हाँ। भाटा पारा। वो जमाना में ऑडियो कैसेट चलत रही से। हाँ। तो उस समय 1,00,000 ऑडियो कैसेट बिके हो ही मोर जानकारी में। कोई ऐसा चीज जिन आपके जीवन में जो हाथ से रही थे तो काकी के साथ भी आप ऐसा उपयोग करता नहीं करता समय समय में, जैसे आपने अपन ऊपर कविता भी लिखे हुआ। हाँ। और उस समय समय पर आप जिन है धर्म पत्नी लभी बीच में लाता, मतलब काकी। हाँ। भी बीच में लाता तो गुस्साए नहीं कोनो बात ले आपले? नहीं गुस्साए, काबर मैं तारीफें करता हूँ ना। अच्छा। वो मतलब बहुत बड़े बात है। अब वो जिसे वो कही कि भाई अमन पहले ऐसी कॉलोनी में रहा। हाँ। तो हमू कुकुर पालबो ऐसे कह के, तो मैं कह काबर कुकुर पालबे, मोर रहत नहीं कुकुर पाले का जरूरत है। का जेकर मनोवृत्ति हास्य के रही थे ना वो सीरियस नहीं हुआ तभी, मतलब हंसना भी एक ठन भगवान के पूजा करना है। सही कहना। मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से आप जरूर कहो जिन हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले गर्व से उमन छत्तीसगढ़ी भाका का प्रयोग करें। मैं मोर तो सबसे कहना है कि आप कतको अंग्रेजी पढ़ लो आप, लेकिन अगर आप अपन लड़का ला संस्कार पैदा करना है, उमर संस्कृति पैदा करना है, तो मातृभाषा से बड़े कोनो भाषा नहीं हुआ है। जिन दाई भाखा है ओकर उपयोग करो, काबर दाई भाखा मतलब दाई के भाखा है। बिल्कुल ठीक। तो आप अपन लड़का में अगर संस्कार पैदा करना चाहते हो तो ओकर अंदर छत्तीसगढ़ी ला पैदा करो। आप अपन लड़का संग छत्तीसगढ़ी में गोठियाओ। आप सरकार ऊपर दबाव मत बनाओ कि ये करो वो करो, पहले आप करो। बिल्कुल। आप अपन घर में अपन लड़का संग छत्तीसगढ़ी में बोलू तो मोर दावा है कि लड़का घलो अपन मितान मन संग छत्तीसगढ़ी बोली, अपन भाषा में गोठियाओ, भाषा के सम्मान होई और आपके खून में उबाल आई, छत्तीसगढ़ के विकास होई। और ओकर बाद ये नारा हर चरितार्थ होते, ओकर बाद ये छत्तीसगढ़ के जिन पहचान है तेन चरितार्थ होते कि ये धरती धन्य है जहाँ पवन दीवान जी, मुक्ति बोध जी और सप्रे जी और छेदीलाल बैरिस्टर जी अत बड़े बड़े आदमी मन पैदा हुए हैं। बिल्कुल। हमार सौभाग्य जो धरती में हम पैदा हुए हैं, एक सेती गर्व से जय घासीदास बोलते हुए छत्तीसगढ़ के मैं अभिवादन करता हूँ और छत्तीसगढ़िया मन लगात हूँ। छत्तीसगढ़ी में गोठियाओ और सिर्फ मत गोठियाओ, अपन बात रहे एकदम फरिया फरिया के गोठियाओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पद्मश्री डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी से देसी टॉक में आज हम बात करें, उखर से जानें कि कौन तरीके से छत्तीसगढ़ी भाषा के विस्तार हो सकते है, कौन तरीके वाला बगराया जा सकते है। सुरेंद्र दुबे जी के बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।